कुछ महीने पहले मैंने अब मीडिया के बारे में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है। सवाल था, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है, तकरीबन कोई जानता नहीं है मगर कहा जाता है कम से कम 50% आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%, मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है या दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट की। भाई और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है, जो देश को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। दलित 15%, एक दलित व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा। आदिवासी 8%, एक आदिवासी आपको सीनियर मीडिया में मालिकों की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं दिखाई देंगे, माइनॉरिटी का कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। ये 2-3% लोग मीडिया में रोजगार पाते हैं, 15-20 लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं और 24 घंटा यही 50-60 लोग नरेंद्र मोदी जी की जय करते हैं। अब सवाल उठता है कि 90% जनता इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे पहली बात, ये जो मीडिया वाले लोग हैं ये आपके नहीं है, ये हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के, दलितों के, आदिवासियों के, ये आपके नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके होते तो पिछड़े वर्ग के लोग मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते, एंकर्स होते,